समर्थ भारत। तो रायपुर की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। ये बात है मध्य प्रदेश की। सीतापुर से अमरजीत भगत पीछे चल रहे हैं। जी हां, ये बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं और सभी सीटों के रुझान यहां पर आ चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो। और दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, टैली पर नजर डालिए, 47 पर बीजेपी आगे है छत्तीसगढ़ में और 149 प्रचंड बहुमत रुझानों में बीजेपी को, 149 का प्रचंड बहुमत बीजेपी, 151 हो गया, देखिए बड़ा 151। बिल्कुल बड़ी तस्वीर यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश की ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं। पिछली बार 60% वोटों के अंतर था इनकी जीत में, और अब इस बार भी इस सीट का ये हाल बुधनी का आपको बता रहे हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। बुधनी की ये तस्वीर सुमित। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्माइली वाली इमोजी है अपन, आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी वैसे ही कुछ मुस्कान है। और होली भी चाहिए, क्योंकि 150 पार 151 सीटों पर बीजेपी आगे, प्रचंड प्रचंड बहुमत, 152 सीटों पर बीजेपी आगे। अपना इसे लहर ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लहर ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 151 150 का आंकड़ा पार कर लिया है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। बहुत बड़ा अपडेट अपना, बहुत बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश देखने को मिल रही है। देखिए, 18 सालों का शासन, उसके बावजूद भी अगर रुझानों की तस्वीर, और अमीश देवकर हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं, और बड़ी तस्वीर। जी, बड़ी तस्वीर, और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस इलाके में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो खराब रह सकता है, वो इलाका था ग्वालियर चंबल का। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, नरोत्तम मिश्रा की तिकड़ी ने वहां करिश्मा करके दिखाया है। एक तरह से करिश्मा है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है।